तो हाय फेलो, इट्स टेंगो। सो गाइस, फाइनली लिमिटेड यूसेज स्टोर गेम के अंदर आ चुका है एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग उसका बेस्ट से बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ एना करेक्टर का ऑफिशियल ट्रेलर लीक हो चुका है जो कि हम लोग को वैसे 16 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला था, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज के दिन एंड साथ ही साथ आउटफिट का फर्स्ट लुक भी। एंड M5 रॉयल पास से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया लीक है मेरे पास, तो चलो यार वो भी देखेंगे। लेट्स बिगिन। तो फाइनली इतने दिनों की वेट के बाद आज के दिन लिमिटेड यूसी स्टोर एक्चुअल में गेम के अंदर आ चुका है एंड मैंने जिससे आपको बताया था वैसे ही है। इसके अंदर हम लोग यूसी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इन्होंने हमें लिमिटेड आइटम्स दिए हैं। लाइक आप लोग देख सकते हो ये जितने भी आइटम्स आप नीचे देख रहे हो ना, ये सारे हमारे लिए हैं। एंड यस, ये परमानेंट आउटफिट्स है जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। इनको एक बार अगर आपने ले लिया तो ये जाएंगे नहीं, ये परमानेंट ही है। एंड इनके जो प्राइसेस हैं वो उसी टाइप से हैं जैसे मैंने बताया था, ये काफी हाई भी हो सकते हैं लाइक 2700, 2800, 1000, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से यूसी कलेक्ट करते हो तो आप लोग इवन 2-3 आउटफिट भी ले सकते हो। इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ पर्सनली बहुत ही बढ़िया चीजें बताऊं तो एक आप लोग ये वाले आउटफिट कंसीडर कर सकते हो, ये जंकी पेरिस है, ये काफी बढ़िया, इवन मेरे पास है भी, मैं आप लोगों को इसका दिखा दूंगा लोग। एंड इसके अलावा भी कुछ और आउटफिट्स हैं, एक ये वाली आउटफिट है, इवन ये वाली आउटफिट आपको जरूर लेनी चाहिए, फ्रॉक वाली। इसका लुक बहुत ही अच्छा है, मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया भी, अगर आपने नहीं देखा तो कल वाली वीडियो आप लोग चेक कर लेना। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोग देखो तो कुछ आउटफिट्स ऐसी हैं जो आप ले सकते हो, लाइक ये वाली जो आउटफिट है ये भी बहुत अच्छी आउटफिट है, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। एंड मास्क के अंदर भी कुछ हमें काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है, जैसे कि आप लोग ये वाला मास्क देख सकते हो, ये भी यूनिकॉर्न कवर बहुत ही अच्छा है। जिस टाइम ये आया था मुझे लगता है 1800 रुपए का था ये मास्क, तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखो तो काफी सही चीज है। एंड ये वाली आउटफिट भी आप लोगों को याद होगी जो आज से 1-1.5 साल पहले आई थी, तो ये वाली भी काफी अच्छी आउटफिट है, आप लोग अगर चाहो तो इनको भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग गन की स्किन में देखो तो सच बताऊं कुछ भी लेने लायक है नहीं, इन गन की स्किन ऐसी दी है जो कोई यूज ही नहीं करता। जस्ट एक स्कॉर्पियन और BSS की गन की स्किन ऐसी है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, उसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। ये पैन भी ठीक था वैसे, इसके अलावा आप लोग देख लो वेक्टर की स्किन है जिसके लिए आप लोग जा सकते हो, उसके अलावा मेरे को यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा। अगर आपके पास एक भी हेलमेट नहीं है तो आप लोग ये वाला देख सकते हो, ब्लू कलर में हेलमेट है, एंड ब्लू मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, बट अगर आप लोगों को कुछ और अच्छा लगता है तो आप लोग देख सकते हो। मेरे हिसाब से हेलमेट में भी इन्होंने ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, एंड बैकपैक में तो फिर है ही नहीं। एंड सबसे आखिर में आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग 10 यहाँ से प्रीमियम क्रेड या फिर क्लासिक क्रेड ले सकते हो एंड उनको जाके खोल सकते हो। तो अभी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोग इन सब में से क्या लेने वाले। आफ्टर इट आप लोग देख सकते हो एना कैरेक्टर का ऑफिशियल ट्रेलर जो कि 16 तारीख को आने वाला था लेकिन अभी लीक हो चुका है, एंड आप लोग इसको देख लो। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर, काफी बढ़िया ट्रेलर था। एंड इसके अंदर हम लोग को एना कैरेक्टर भी एक्चुअली देखने के लिए मिली जो कि काफी ज्यादा सही लग रही थी, उसके आउटफिट वगैरह में पता लग पाई। एंड इसका लुक जो है ना काफी हद तक डिटेक्टिव टाइप का ही दिया गया क्योंकि इसने हैट ऐसी डाली हुई है, साइड में छोटा सा बैग भी टांगा हुआ है, तो हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि जो हम लोगों की थ्योरी थी जो हम लोगों ने देखा कि ये ऑस्ट्रिया की है एंड इसके पापा एक डिटेक्टिव होते हैं जो कि गायब हो जाते हैं अचानक से एक बहुत बड़ी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करते हुए, एंड उसके बाद इसके पास सिर्फ एक बुक मिलती है अपने पापा की जो कि इन्वेस्टिगेशन वाली होती है। तो बिल्कुल सही वाली थ्योरी थी हम लोगों की, एंड यही हम लोगों के करेक्टर। अभी आप लोगों को है ना कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। एंड गाइस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो अभी तक तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एक लाइक वीडियो पे जरूर दे दो। एंड अभी आप लोग देख सकते हो हमारे M5 रॉयल पास की 50 RP आउटफिट का फर्स्ट लुक, जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था वो जस्ट उसका हेड केयर था, बट अभी आप लोग आउटफिट भी देख सकते हो किस तरीके की गोल्डन गोल्डन तरह एक काफी हैवी टाइप की आउटफिट लग रही है, लेकिन अभी अच्छे से अपने को तभी पता लगेगा जब इसका इन गेम गेम प्ले आएगा जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, होपफुली एक हफ्ते के अंदर हमें देखने के लिए मिल भी जाएगा। तो अभी आप लोग इसका जस्ट ऊपर से लुक देख लो एंड मुझे बताना आपको ये भी कैसे लगे। तो गाइस यही कुछ अमेजिंग अपडेट थे इस वीडियो के अंदर, अगर आपको अच्छे लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टैंको, बाय बाय।